हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर सोनाक्षी। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बारिश का हो रही थी सुबह से, और मैंने सोचा कि क्यों ना बारिश में कुछ स्पेशल बनाया जाए। तो मैंने बनाए हैं गुड़ के गुलगुले, और इनको सेकते हुए ना मुझे अपनी मम्मी की याद आ रही थी। मम्मी हमेशा बारिश के मौसम में हमारे लिए गुड़ के गुलगुले बनाती थी, क्योंकि हमें बहुत पसंद थे, और गगन को भी बहुत पसंद है, इसलिए मैंने बनाए। और साथ में हमारी बन रही है यहाँ पर खीर, और खीर और गुड़ के गुलगुले आज मैंने बनाए थे, और बारिश के मौसम में सच में बहुत अच्छे लगते हैं। आप भी बताइएगा कि आपने बारिश के मौसम में क्या चीज़ बनाई थी। तो यहाँ पर मेरी देखो खीर जो थोड़ी सी अभी मतलब गाढ़ी गाढ़ी सी लग रही थी, तो मैं इसमें थोड़ा सा दूध या फिर गर्म पानी डाल दूँगी तो उससे हो जाएगा। और देखो लोहे की कढ़ाई में गुलगुलों का जो रंग है वो बहुत अच्छा आता है। वैसे तो गुड़ की वजह से गुलगुलों का रंग वैसे भी बहुत ही अच्छा आता है, और सच में बहुत टेस्टी बने थे। और देखिए मैंने सरसों के तेल में बनाए थे, आप भी बताइएगा कैसे लगे आपको। और इस बारिश के मौसम में ना ये कबूतर यहाँ पर आके बैठ गया था, पता नहीं क्यों। क्योंकि और जब मैंने इसे देखा ना, तो इसके पैर में ना एक चीटा था जो कि चिपका हुआ था, जिसकी वजह से बहुत परेशान था। लेकिन मैं निकाल नहीं सकती थी क्योंकि ये मेरे से बहुत डर रहा था। मैंने जूम करके इस वीडियो को लिया है, देखो तो भी कितना मुझसे डर रहा था। तो फिर मैंने ज़्यादा इसको परेशान नहीं किया, लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा था। इसके ना पैर पे चीटा बहुत बुरी तरह से चिपका हुआ था, अगर आप देख सकते हो ना वीडियो में तो देखना, इसके पैर पर देखो चीटा लगा हुआ है। और ये बहुत ज़्यादा मतलब परेशान सा हो रहा था इसकी वजह से। और ये पता नहीं क्या ढूंढ रहा था, देखना कैसे देख रहा है, देख रहे हो, पता नहीं क्या ढूंढ रहा है कि कहीं मतलब छुपने की जगह ढूंढ रहे हैं या कुछ। तो यहाँ पर देखो आप साफ देख पा रहे होंगे इसके पैर पे जो चीटा चिपका हुआ है। और बारिश के मौसम में ना बेचारे इनको कोई जगह नहीं होती है मतलब रहने के लिए और वो सब, तो बेचारा जगह ढूंढ रहा था कि कहीं पर जगह मिल जाए। तो मैंने इसको कैप्चर कर लिया, हमारे घर पर आया था बारिश के मौसम में गुलगुलों की खुशबू सूंघ के तो फिर मैंने इसे कैप्चर कर लिया। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। आज सुबह का हमारा नाश्ता है ओट्स, तो ये वेजी ओट्स हैं जो कि मैंने ग्रोफर से मंगाए हैं, और सच में बहुत अच्छे हैं। सफोला या केलॉग्स के नहीं मिले तो ये भी बहुत अच्छे हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब जेन्युइन रेट पे हैं, ले सकते हैं और खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा अमेजिंग टेस्ट है इसका, देखिए बिल्कुल दलिए जैसे लगते हैं। और बाहर का मौसम आज भी सुहावना सा है, धूप आज नहीं निकली है। आज डेट है 29 जुलाई, और पौधे बहुत अच्छे हो गए हैं, पता है बारिश की वजह से केचुए आ गए हैं पौधे में, और पानी जमना में देखो कहाँ तक दूर तक फैल गया है। की है वीडियो एडिटिंग, जबकि वीडियो एडिटिंग तो आज मैंने फ़ोन में की है, लेकिन बाकी सारी जो एंड स्क्रीन वगैरह और वो सब कुछ होता है ना, वो सब मैं इसी में लगाती हूँ लैपटॉप में, पहले वहाँ से अपलोड कर लेती हूँ अपने फ़ोन से। और ये देखो बाहर आज कपड़े डालने पड़े हैं मुझे, क्योंकि बाहर आज कपड़े डालने पड़े हैं क्योंकि यहाँ पर धूप आती है, उस वाली बालकनी में कम धूप आती है। तो मैंने सारे पौधे वगैरह सब यहाँ पर रखे हैं, और कपड़े भी यहाँ डाल दिए ताकि ये सूख जाएँ। देख रहे हो कितना प्यारा नज़ारा है, और देखो ऊपर से सूरज जो है वो उसके ऊपर लहरों के ऊपर पानी के ऊपर चमक रहा है, देखो वाह। साढ़े 5 बज रहे हैं और सूरज छुपने वाला है, बस नदी के ऊपर इसकी जो मंदिर है बहुत अच्छी लग रही है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैंने आपको अपनी बालकनी से ही सारे नज़ारे दिखाए हैं, तो मेरा वीडियो इसी पे ही डेडिकेटेड था, क्योंकि पूरा का पूरा बारिश में ना बहुत ही अच्छा नज़ारा हो रखा था। और आई होप आपको भी ये नज़ारा बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।